आज हम बात करेंगे अगेन ब्रह्मचर्य के एक बहुत बड़े नियम के बारे में मेरे भाई, जो कि एक सबसे बड़ा नियम है। ये नियम जिसने याद रख लिया, जिसने ध्यान में रख लिया, वो इंसान कभी भी ब्रह्मचर्य का नाश नहीं करेगा। वो असली लाइफ को समझ जाएगा कि कैसे लाइफ को जीना है। ब्रह्मचर्य अपने आप में एक बहुत बड़ा ज्ञान है, जिसके बाद ब्रह्मचर्य का ज्ञान है, जो जिसके बाद ब्रह्म ज्ञान है, वो ऑटोमेटिकली एक लाइफ में बहुत बड़ा बहुत अच्छा कर रहा है अपनी लाइफ में, करेगा डेफिनेटली, क्योंकि उसके पास ज्ञान है यार। तो आज हम एक और रूल के बारे में बात करेंगे ब्रह्मचर्य का, जिसने इस रूल को फॉलो करा उसकी लाइफ बहुत बेस्ट हो जाएगी मेरे भाई, बहुत खुश रहेगा वो इंसान अपनी लाइफ में हमेशा। सो वो नियम कहता है इच्छाओं वाला नियम मेरे भाई, ये नियम है इच्छाओं का नियम। तो ब्रह्मचर्य का ये नियम ये कहता है कि इंसान की इच्छाएं, उसको चाहे सब कुछ मिल जाए इस दुनिया में, अगर इंसान को सब कुछ दे दिया जाए, सब कुछ मिल जाए उस इंसान को, तो वो इंसान की इच्छाएं फिर भी कभी भी पूरी नहीं हो सकती मेरे भाई। तो बहुत सारे दोस्त लोग क्या कहते हैं कि मुझे क्या करना है, पॉर्न वीडियो या फिर गंदी वीडियो देखने का मन करता है बहुत ज़्यादा, या फिर कुछ लोग कहते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा हस्तक्रिया करने का मन करता है, या फिर इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो लोग बिना अच्छा खाना खाए रह नहीं सकते हैं, या फिर उनको बहुत अच्छा स्वाद चाहिए उनकी इच्छाओं की वजह से, उनके डिज़ायर्स की वजह से, कि भैया हमारी इच्छाएँ इतना ज़्यादा हैं कि भैया इनके बिना हम रह नहीं सकते हैं, या फिर इनको करने का बहुत ज़्यादा मन करता है, या फिर आपकी लाइफ में कुछ भी इच्छाएँ हैं बहुत सारी, जो कि आपकी एडिक्शन कह सकते हो, चाहे आप कुछ भी कह सकते हो उनको। तो ब्रह्मचर्य का ये नियम ये कहता है मेरे भाई कि इंसान क्या करता है, हर एक इच्छा मतलब जो भी है इंसान की, वो क्या करता है कि अपने 2 मिनट की खुशी के लिए, 5 मिनट की खुशी के लिए, स्वाद के लिए खाता है, या फिर मान लिया, या फिर हस्तक्रिया करके 2 मिनट की खुशी के लिए करता है वो चीज़, या फिर 2 मिनट की खुशी के लिए वीडियोज़ देखता है। और सबसे पहले बात करते हैं, चलो वीडियोज़ के बारे में, आज हम पॉर्न वीडियोज़ के बारे में बात करते हैं सबसे पहले। चलो जो इंसान पॉर्न वीडियोज़ देखते हैं वो क्या करते हैं, उसने एक वीडियो देखी, चलो ठीक है दोस्त, एक वीडियो देख ली, अब होना ये चाहिए था कि रियल में कि उसका मन एक वीडियो से भर जाना चाहिए था मेरे भाई। क्यों? क्योंकि उस वीडियो में उसको सब कुछ मिल गया है मेरे भाई, सब कुछ दिख गया है उसको, सारे लड़कियों के बॉडी पार्ट, लड़कों के बॉडी पार्ट, चाहे जो फैक्स क्रिया होती है वो करते हुए उस इंसान ने देख लिया उस वीडियो में, ठीक है दोस्त। तो इसमें होना ये चाहिए था कि उस इंसान को की इच्छाएँ पूरी हो जानी चाहिए थी एक वीडियो में, बट उसकी इच्छा फिर भी पूरी नहीं होती है मेरे भाई। फिर वो जाता है दूसरी वीडियो देखने के लिए, फिर वो देखता है तीसरी वीडियो, और हर एक वीडियो में क्या हो रहा होता है कि हर एक नए लड़की लड़का दिखते हैं उसको फैक्स क्रिया करते हुए, अलग अलग टाइप के बॉडी पार्ट दिखते हैं उसको, लेकिन स्टिल उसकी इच्छा पूरी नहीं होती है मेरे भाई। और वो लगातार देखता जाता है उसको, देखता जाता है, और उसको कुछ होता कुछ नहीं है, उसकी इच्छाएं पूरी हो ही नहीं सकती हैं, वो अंत तक देखता ही जाता है बस मेरे भाई, और उसको ख़त्म करने के बाद भी उसकी इच्छा ख़त्म नहीं होती है मेरे भाई। और उसके बाद क्या कर लेता है इंसान, या फिर हस्तक्रिया कर लेगा मेरे भाई, या फिर उसके दिमाग में ऐसे डोपामिन रिलीज होंगे कि भाई उसका दिमाग ख़राब हो जाता है मेरे भाई उसके बाद, बट होता उसका कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन इच्छाएं वाली बात कर रहा हूँ मैं एक्चुअली यहाँ पे, कि उसकी इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं होती है मेरे भाई। इस चीज़ को ध्यान रखना हमेशा कि लाइफ में कोई भी किसी भी चीज़ में, किसी भी लाइफ में अपनी इच्छाओं को कंट्रोल में करना है, अपनी कोई भी इच्छा है। अब हस्तक्रिया के बारे में बात कर लें, तो इंसान क्या करता है, एक बार इंसान ने करा, चल ठीक है उसकी इच्छा पूरी हो जानी चाहिए, बट नो, वो उसी काम को क्या करता है, अगले हफ्ते करता है, चाहे उसी उसके अगले दिन करता है, चाहे अगले महीने करता है, बट करता है उसको, क्योंकि उसकी इच्छा पूरी हो ही नहीं सकती मेरे भाई कभी। जो इच्छाएं हैं उनको कंट्रोल में कर ही नहीं सकता इंसान, और ये एक बहुत बड़ा नियम है कि ब्रह्मचारी जो होता है वो उसको करना चाहिए, उसको सीखना चाहिए ये चीज़ें कि नहीं, मुझे ये इच्छाएं इनको कंट्रोल में करना है मेरे भाई। जिसने इन इच्छाओं को कंट्रोल में कर दिया, चाहे खाने के बारे में बात कर लेते हैं, स्वाद के लिए खाता है, रोज़ खाता है, और खाते खाते इतना ज़्यादा खा देता है इंसान कि भैया पेट उसका फूल के बाहर जाता है, उसका पेट फटने लायक हो जाता है, लेकिन फिर भी वो खाना नहीं छोड़ता है ज़्यादा, उसको कंट्रोल ही नहीं है अपने स्वाद पे, अपने इच्छाओं पे, खाने की इच्छाओं पे। मेरे भाई हर एक चीज़ में कंट्रोल होना चाहिए आपका, देन ओनली बहुत बड़ा काम करेंगे आप, क्योंकि यार यही लाइफ है, एक्चुअली लाइफ यही है कि जो इच्छाएं हैं उसकी, जो फैंटेसी है चाहे कुछ भी है मेरे भाई, वो कभी भी पूरी नहीं हो सकती है इंसान की। इसलिए आपको कंट्रोल में, आपको हमेशा ध्यान रखना है ये चीज़ की, कि कभी भी इच्छाओं के वश में मत हो यार, खुद के कंट्रोल में रहो बस, कि भैया ये चीज़ नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, चाहिए तो चाहिए, मैं अपनी इच्छाओं पे बेच दूँ यार।
मेन चीज ये होना चाहिए आपका। अगर ये वीडियो से मुझे एक बार देख के कुछ नहीं मिला तो मेरे को नहीं देखना चाहिए इन वीडियोज़ को यार नेक्स्ट टाइम से। अगर मुझे हस्तक्रिया से कुछ मिल नहीं रहा है, कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, 2 सेकंड की खुशी के लिए कुछ नहीं मिल रहा है मुझे उससे, तो मुझे इसको नेक्स्ट टाइम से नहीं करना चाहिए। ऐसे खाने के बारे में चाहे कोई और इच्छाओं के बारे में जो भी आप कमेंट में बता सकते हैं कि किस टाइप की इच्छाएं हो सकती हैं, अलग अलग टाइप की चीज़ें हो सकती हैं, तो आप कमेंट में डेफिनेटली बताएं कि क्या क्या टाइप की इच्छाएं होती हैं इंसान की। जो मेन मोटिव है मेरा बताने का वो मैंने आपको बता दिया है कि इच्छाओं पे कंट्रोल करना एक ब्रह्मचर्य का बहुत इंपॉर्टेंट काम है मेरे भाई। इसलिए जिस इंसान ने इच्छाओं पे कंट्रोल कर लिया मेरे भाई, वो इंसान को खुश रहने से कोई रोक नहीं सकता है। एंड वो इंसान के पास चाहे कोई संसाधन हो चाहे ना हो, वो इंसान हमेशा खुश रहेगा एंड हमेशा कंट्रोल में रहेगा। सो आज की वीडियो इतनी थी मेरे भाई, और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर, आपका भाई बहुत ज़्यादा मेहनत करता है यार, मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ, पता है एक वीडियो बनाने में पूरा एक दिन लग जाता है मेरे भाई। तो इन वीडियो को एक लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब में से कोई भी 2 चीज़ें डेफिनेटली कर देना मेरे भाई, तो बहुत अच्छा लगेगा आपके भाई को। और हमें सबसे कुछ बहुत बड़ा करना है यार लाइफ में, ये छोटी मोटी चीज़ें नहीं है, हमें बहुत बड़ा अचीव करना है। सो इन्जॉय करो मेरे भाई।